रहता का उल्टा चश्मा। सॉरी चालू जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। क्यों माफ करूं? क्यों माफ करूं? हर बार का है तुम्हारा? क्या? हर बार का क्या? अरे यार, ये लोग कोई लफड़ा करते हैं फिर रिपोर्ट लिखाते हैं, मैं आऊं इससे पहले लोग केस सॉल्व कर देते हैं। बिना वकील के? वकील तक तो बात ही नहीं पहुंची वकील साहब। जब पुलिस को मौका नहीं मिलता केस सॉल्व करने के लिए तो वकील तो बहुत दूर की बात है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ बुलाया गया तो मुझे मेरी फीस चाहिए ना। नहीं नहीं बराबर, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, ये ले। चल, हम लोग भी चले। ओके। ओ क्या ओके? तुम भी अंदर चलो। ए भूत लोग, तुम भी अंदर। ओ थैंक यू मास्टर। तुम भी अंदर। एक मिनट पांडे बेटा, एक मिनट। देखो ये जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। चाचा जी, आप हाथ जोड़कर माफी मत मांगी। क्यों? क्योंकि चाचा जी, पर्सनली मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ। वाह वाह, अब आपकी वजह से मुझे इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। शांति शांति, आइंदा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल चालू जी, आप पांडे जी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं करेंगे मतलब दूसरा कुछ कांड करोगे? नहीं मतलब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा। चलो छोड़ो यार, हर बार ऐसे ही बोलते हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपने आप से बोल रहा हूँ। अच्छा चाचा जी, अपना ख्याल रखना। ए चाचा जी का ख्याल रखना। वो तो रखते ही। अरे चलो। ओ अच्छा। अरे पर तीते आए ना जगह, जाना जाऊ देना जाना। थैंक यू बापू जी। वो थैंक यू वाड़ी, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मेहरबानी करके ऐसी फालतू शर्त अभी कभी मत लगाना। देखा ना तेरी ये शर्त की वजह से कितने लोग परेशान हुए। नहीं तो क्या। सॉरी जी। देखा पापा, तुम्हारी शर्त की वजह से कैसे क्या हालत हो गई। अपने पूरे सर्कल में सबको बता देना, आइंदा कोई मेरे साथ ऐसी शर्त ना लगाए। चलो चलो सो जाओ। कौन कहाँ सोने वाला है? मैं तो अपने घर जाके सो रहा हूँ चाचा जी। अरे तुझे नहीं पूछ रहा हूँ भाई, इन सबको पूछ रहा हूँ। बापू जी यहाँ सब तय हो गया है, आप सो जाइए शांति से। तुम चल आई आई आई। गुड नाइट। गुड नाइट। सुना नहीं जैसे घरी। अरे हो गुड नाइट गुड नाइट। जीजा जी गद्दे। हाँ देता हूँ भाई, गद्दे आए तब तक भूत में से इंसान बन जाओ। चलो पटापट। रखने इधर मदद करे नहीं। चुप आप पाते पाते रहिए। बस हो गया। अब सुंदर भाई मेरा ना मटका ओढ़वा पत्थर हो। हाँ तकिया तो है वो ओढ़ने का ले। ये तकिया तो बहुत बड़ा है, ऐसा वाला दो ना। ऐसे जीता जी से जोन भाड़मा पड़ी हुआ से ये बोल देने का। जीता जी घर के ऐसे कुछ भी ऐसे ऐसे कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्ती से सो जाने का। घर अच्छा पहले तारू आ बधू। अरे बस ओके थैंक यू जीजा जी, गुड नाइट। एक मिनट इधर आ जरा, तुम दोनों इधर ही खाली। मैं जीजा जी दरवाजा क्यों बंद किया, क्या हुआ? देख भाई
में तेरा हाथ जोड़ता हूँ। सच सच बता, दया कब आ रही है? ना बहुत जल्द आ जाएगी। अरे लेकिन नहीं आने का कारण क्या है? कारण तो बहुत ठोस है, लेकिन वो बेना आके खुद अपने मुंह से आपको बताएगी। अरे हाँ जीजा जी, कल सुबह आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, एक जबरदस्त सरप्राइज है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी सो जाइए, कल आपकी नींद उड़ने वाली है। समझ गया कल तेरी सरप्राइज क्या है। क्या? कल तुम्हें दया आ रही है ना? नहीं, झूठ मत बोल। तूने जिस तरह बोला उसी में समझ गया मैं। क्या? देख, सबसे पहले तूने क्या बोला कि दया बहुत जल्दी आने वाली है, बराबर? उसके बाद तूने बोला कि नहीं आने का ठोस कारण है, लेकिन वो कारण दया खुद आके अपने मुंह से मुझे बताएगी। और उसके बाद तूने बोला कि कल सुबह एक जबरदस्त सरप्राइज है, तो इससे बड़ी जबरदस्त सरप्राइज और क्या हो सकती है? अरे नहीं नहीं माय डियर जीते जी, ये जो सरप्राइज है वो बहना की आने की सरप्राइज नहीं है, आपकी कसम। बस तो क्या सरप्राइज है? अरे वो कल सुबह देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, क्या होगी इसकी सरप्राइज? आज की रात तो बिगड़ी है, कहीं कल का दिन भी ना बिगड़े। ये सुंदर जब जब आता है वो मेरे लिए टेंशन ही लेके आता है। क्या होगी इसकी सरप्राइज? चिढ़ाने की वजह से पूरी रात खराब हो गई। कब सोऊंगा, कब नींद खुलेगी मेरी, नींद पूरी होगी भी या नहीं, क्या मालूम। अरे वो कुर्ता क्यों पहना है आपने? कहाँ गए थे आप? वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा माधवी, रात के 3:30 बजे भी तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। मेरी तारीफ रहने दीजिए। तारीफ? बताइए आप चिल्लाए क्यों, क्या हुआ? अरे वो अंधेरा था ना, वो बेड से टकरा गया इसलिए। लेकिन आप टकराए कैसे? वो मैं जेठा के घर पे गया था ना। आपको नींद में चलने की बीमारी कब से लग गई? नींद में क्यों चलूंगा मैं माधवी? अभी आपने कहा ना आप जेठा भाई के घर गए थे। हाँ। तो सपना देखा आपने? अरे सपना क्यों देखूंगा मैं, हकीकत में गया था। हाय चाल है, मला काही कळत नाही है, सगळा गोंधळ झालाय, नीट सांगा ना काय ते। मैं पूरी बात बताता हूँ, क्या हुआ, हम दोनों सो रहे थे तभी बेल बजी, जाके देखा तो जेठालाल। तुझे बुलाने आया हूँ, हमें अभी कभी पुलिस स्टेशन जाना है, सुंदर को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम चालू पांडे जी को फोन लगा। दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हलो 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 हलो, फोन क्यों रख दिया उन्होंने? उन्होंने फोन रखा ना, फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो फोन ही काट दिया। हम एक वकील को साथ में लेकर चलते हैं, वकील रहेगा तो इंस्पेक्टर साहब से बात भी कर लेगा। आप जरा जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाएंगे प्लीज? हाँ अभी निकलता हूँ और 10 मिनट में पहुँचता हूँ। अभी मजा चखा था। नहीं रुके रुके, थोड़ी बार मैं बहलू। ये क्या मजाक है जीजा जी? ये मजाक मेरा नहीं, सुंदर भाई का है। जब हम लोग आ रहे थे तो ये भोपा ने मुझे क्या कहा था पता है आपको? नहीं, रात को आपके जीजा जी दरवाजा तो खोलेंगे ना। अरे माय डियर जीजा जी, मेरे एक फोन पे मुझे यहाँ लेने को आ जाएंगे, समझे? लगा दें एक फोन और चेक कर लेते हैं आपके जीजा जी के ऊपर के विश्वास को। इसीलिए माय डियर जीजा जी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इसके साथ शर्त लगा दी। फिर मैं घर पे आया और कुर्ता चेंज करके सो गया। अब बाहर गए थे तो मुझे जगाना चाहिए था ना आपने। हाँ माधवी, लेकिन तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैंने तुम्हारी नींद नहीं बिगाड़ी। और आपने कहा कि आप कुर्ता चेंज करके सो गए थे, फिर वापस कुर्ता कैसे? हाँ वो मैं दोबारा बाहर गया था। कहा? वो दूसरी बार मुझे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी लेके गए। उगवे, पांडे जी पुलिस स्टेशन लेके गए आपको? नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, जेठा के घर पे लेके गए। वो क्या हुआ, हम सब सुंदरलाल को लेके सोसाइटी में आ गए, फिर मैं और मेहता सब घर चले गए, फिर मैंने मोबाइल चार्जिंग पे रखा और स्विच ऑन करके सो गया और भूल ही गया कि पांडे जी और वकील साहब को हमने पुलिस स्टेशन बुलाया था। फिर चालू पांडे जी और वकील सोसाइटी में आए और मुझे लेकर जेठा के घर पे गए।
और वहाँ जाने के बाद चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे अपना समझ कर बुलाया और मैं अपनी ड्यूटी समझ कर यहाँ आया, पर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जेठालाल तो तुम अपना ही समझ कर मुझे फोन करके बता देते। बोलो, फोन करके बता सकते थे ना, मेरी जगह आप होते ना और आप इनको भूत के अवतार में देख लेते ना तो आप भी सब भूल जाता कि आप कौन है कहाँ है सब भूल जाते। बरोबर बोला। ऐसे भूत बन के घूमेंगे तो कोई भी आम आदमी डर जाएगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती भूत बन के डराते हो? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बाप रे, इतना सब कुछ हो गया? नहीं तो क्या है, वो तो अच्छा है कि पांडे जी ने सिचुएशन को समझा, वरना हम सब अभी लॉकअप में होते। पर ये सब ना जेठालाल की वजह से हुआ है। चौथा समझ के लेके गया मुझे, अरे मुझे कभी एक्स्ट्रा है का? सुधे कर लो, आपने बोला बात, अभी सो जाते हैं, चलिए। अरे ये लाइट लाओ, अभी पर धड़पड़े ना। ओ सॉरी, तो आधीच लागले, धड़पड़ू नका। को कौन बेल बजा रहा है? अंजलि, अंजलि कोई बेल बजा रहा है क्या? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अंजलि तुम नींद में हो, अभी कोई डोरबेल बजा रहा था। मैं गहरी नींद में भी होती हूँ ना तो भी जरा सी आवाज से उठ जाती हूँ। कोई डोरबेल नहीं बजा रहा, चलिए सो जाते हैं। एक मिनट, क्या पता जेठालाल हो, उसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ कभी भी टूट पड़ता है। मैं देख कर आता हूँ। ओके, मैं भी साथ में चलती हूँ। सब कौन हो सकता है? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो डोरबेल किसने बजाई? किसी ने नहीं, तारक आपने कोई सपना देखा होगा। हो सकता है, इस सुंदर की वजह से सिर्फ जेठालाल की नहीं मेरी भी नींद खराब हो गई है। हमारी, चलिए ना सोने चलते हैं, चलिए। अंजलि, अंजलि फिर से डोरबेल बजी। अरे कोई डोरबेल नहीं बजा रहा, आपके कान बज रहे हैं तारक, सो जाइए। हाँ सुंदरलाल जेठालाल की बैंड बजा रहा है और यहाँ मेरे कान बज रहे हैं। पता नहीं है सुंदरलाल जेठालाल को और कितना परेशान करेगा। हे भगवान, मेरे परम मित्र को मुसीबतों से बचाए रखना। सुन बोपा, मैं बापूजी और टप्पू के रूम में जा रहा हूँ, उनको समझा के लेके मैं आता हूँ। लेकिन सुंदर भाई, बापूजी मान तो जाएंगे ना? वो मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर बापूजी नहीं माने तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए बापूजी और टप्पू को तो मनाना ही होगा। सुंदर भाई टप्पू भी? अरे टप्पू साथ में होगा तो बापूजी को संभालना आसान हो जाएगा और उन्हें मजा भी आएगा। तुम दोनों उठो, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बापूजी और टप्पू को लेके आता हूँ, सोना मत। बापूजी और टप्पू तो गहरी नींद में सो रहे,
बापूजी, 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 रोले, 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 बापूजी, 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 मैं सुंदर हूँ, सुंदर। अरे आधी रात को डरा था क्यों, घबराया क्यों? क्या हुआ? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। हमें अभी के अभी अहमदाबाद जाना है। मम्मी को लेने? आधी रात को? नहीं नहीं, बेना को लेने नहीं जाना है। बापूजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतनी रात को तुझे मुझसे क्या मदद चाहिए? बापूजी, क्या हुआ मामा? हाँ, क्या मदद चाहिए? सुंदर बेटा, संकोच मत कर, बोल क्या मदद चाहिए, बोल बोल। बापूजी, मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मेरे एक दोस्त ने एक इंसान से पैसे लिए हैं और वो पैसे चुका नहीं पा रहा है। कितने पैसे लिए थे तेरे दोस्त ने? 10 लाख रुपए लिए थे बापूजी। 10 लाख? लेकिन पैसे तो तेरे दोस्त ने लिए थे ना, उसमें तू कैसे फंस गया? वो बापूजी, ऐसा था कि ये पैसों की जो लेन देन का व्यवहार हुआ ना, उसमें बीच में मैं था। तो वो बोल रहा है कि कल के कल तू पैसे लेके आ, वरना कोई गारंटर लेके आ। मतलब? गारंटर मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति लेके आ जो जिम्मेदार हो और वो पैसों की जिम्मेदारी ले ले। बापूजी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं बापूजी। तो फिर सुंदर बेटा, तुझे सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। उन लोगों का तो पुलिस के साथ भी सेटिंग है। मैं तो सेवा करने गया था और फंस गया। बापूजी, मारे तो ऊँचे ऊँचे का धर्म करता धार पड़ी। बापूजी, मेरे दोस्त ने कहा है कि वो 1 महीने में सब पैसे चुका देगा। हाँ, लेकिन सुंदर बेटा, इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज, आप मेरे साथ अहमदाबाद चलिए और 1 महीने के लिए पैसों की गारंटी ले लीजिए। अभी? हाँ, अभी। अरे, इतनी रात को हम अहमदाबाद कैसे जाएंगे? बापूजी, मैंने आपकी टपू की और मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दी है, आने जाने की। रात तक तो हम वापिस आ जाएंगे। मेरी और टप्पू की जेठा की टिकट नहीं करवाई? अरे माय डियर, जीजा जी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने ही कुछ गलत किया है। वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सुंदर बेटा, जेठिया को बताना तो पड़ेगा। अरे जीजा जी को पता चल जाएगा तो वो आपको भी नहीं आने देंगे। और जब तक जीजा जी जागेंगे तब तक तो हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए होंगे। बाद में वहां से मैं जीजा जी को मैसेज करके बता दूंगा कि आप लोग रात तक पहुंच जाएंगे। अरे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्लीज चलिए। अच्छा चल, मान ले मैं तेरे साथ तो अभी अहमदाबाद आया और मैंने गारंटी ले भी, लेकिन अगर 1 महीने में तेरे दोस्त ने पैसे वापस नहीं किए तो? अरे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना। बापूजी, अगर आप अहमदाबाद नहीं आए तो मैं कभी अहमदाबाद नहीं जा पाऊंगा। बापूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अरे अरे, सुंदर ये क्या कर रहा है? प्लीज बापूजी, मेरी मदद कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं और टप्पू आते हैं तेरे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। सुंदर घर पे आया मतलब तूफान जेठालाल के जीवन पर छाया। संकट बन के आया सुंदर आधी रात को चंपक चाचा को अहमदाबाद लेके जाने की बात कर रहा है। एक तरफ सुंदर जेठालाल को दया भाभी के बारे में कुछ नहीं पता, उस सवाल को टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। और दूसरी ओर अपने कफले को ठीक करने के लिए चंपक चाचा को गारंटी बनाकर लेकर जा रहा है। खुद को बचाने के लिए चंपक चाचा के नाम की चेन खींच रहा है। ये चेन जेठालाल के गले की आफत ना बन जाए। जेठालाल पांडे जी के फटके से तो बच गया, लेकिन क्या सुंदर के दिए हुए झटके से बच पाएगा? जेठालाल दया भाभी के इंतजार में।
और यहाँ पर सुंदर टप्पू और चाचा जी को ले जाने के विचार में लगता है कि इस रात की सुबह है और ये रात और काली होती जाए। लेकिन यहाँ के हर रंग में छुपी है हंसी और ठाके। यहाँ भले ही अंधेरा हो लेकिन आपके घर पर ठाकों की रोशनी ही फैलेगी। तो भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चाचा जी, टप्पू, सुंदरलाल तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कंपाउंड में गाड़ी खड़ी है, लगता है कहीं जा रहे हैं। अरे सुंदर बप्पू और भैरू तो यहाँ नहीं है, बापू जी और टप्पू भी नहीं है। टप्पू बैठ जा, बैठ जा। बापू जी बैठिए फटाफट। सुंदर, सुंदर तू बापू जी और टप्पू को कहाँ लेके जा रहे हैं? अहमदाबाद। क्यों? जीतिया, ये सुंदर किसी प्रॉब्लम में फंस गया है, इसलिए मुझे गारंटर बना के अहमदाबाद लेके जाना। नहीं, अरे तू अपने झमेले में बापूजी को क्यों फंसा रहा है? नहीं नहीं बापूजी, आप नहीं जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। बापूजी आएंगे। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।